शौरीपुर जैन मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक प्रसिद्ध तीर्थ भगवान बटेश्वर नाथ मंदिर से 3 किलोमीटर अंदर जंगल में बना हुआ है। जैन समाज के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का यहां पर जन्म हुआ था। शौरीपुर मंदिर जैन समाज के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ का मंदिर है। भगवान नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे और शौरीपुर नेमिनाथ का जन्म स्थान है। शौरीपुर जैन मंदिर जैन धर्म का एक तीर्थ स्थल है और दिगंबर जैन यहां पूरे देश से बड़ी संख्या में आते हैं। शौरीपुर बटेश्वर से 3 किलोमीटर दूर है और यह अंदर जंगल में जाकर है। बटेश्वर में भगवान शिव के 101 मंदिर हैं। यहां यमुना की धारा को इन मंदिरों की दीवार से मोड़कर उसकी जल धारा की दिशा बदल दी गई है। श्री शौरीपुर बटेश्वर दिगंबर सिद्ध क्षेत्र जैन के 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की जन्म कल्याणक भूमि है। माना गया है कि सहस्त्रों वर्ष पूर्व से यमुना तट पर शौरीपुर एक विशाल नगरी थी। इस नगरी को महाराज शूरसेन ने बसाया था। उन्हीं की पीढ़ी में महाराज समुद्र विजय हुए। ये 10 भाई थे, उसमें छोटे वसुदेव थे जिनके पुत्र भगवान श्री कृष्ण थे। कुंती और माद्री महाराज विजय की बहनें थीं, जो कुरुवंशी पांडु को ब्याही थीं। चंद्रवंशी राज यदु के वंश में शूरसेन नामक एक प्रतापी राजा हुए जिन्होंने इस शौरीपुर नगर को बसाया था। उसका वंश यदुवंश कहलाया। शूर के अंधक वृष्णि पुत्र हुए। अंधक वृष्णि के समुद्र विजय, वासुदेव आदि 10 पुत्र और कुंत्री माद्री पुत्रियां हुई। समुद्र विजय की रानी शिवा के गर्भ से श्रावण सुंदी 6 को इस शौरीपुर में भगवान नेमिनाथ जिनेन्द्र 22वें तीर्थंकर का जन्म हुआ था। बताया गया है कि उस समय इंद्रों ने रत्नों की वृष्टि की थी। भगवान नेमिनाथ बचपन से ही संसार में विरक्त प्रकृति के थे। जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की पुत्री से उनका विवाह निश्चित हुआ था। विवाह के लिए जाते समय अनेक मूक पशुओं के करुण रुद्रन से दुखी होकर नेमिनाथ जी ने कंकण आदि बधन तोड़ फेंके और वहीं गिरनाथ पर्वत पर जल दीक्षा ग्रहण कर दिगंबर साधु हो गए। तत्पश्चात घोर तपस्या कर भगवान नेमिनाथ ने ज्ञान प्राप्त किया, साथ ही अनेक देशों में विहार कर अहिंसा धर्म का उपदेश दिया। अंत में गिरनार पर्वत पर ही निर्वाण प्राप्त किया। इस प्रकार यह पुण्य भूमि भगवान नेमिनाथ की निर्वाण की गर्भ जन्म भूमि है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कीजिए इन्फो गुरुदेव चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहेंगे हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले। ये बिल्कुल फ्री है।